कैसे नंदालय बना हुआ है, और वो जो आधा चांद या दूध खींच का चांद जो है ना, उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये बीच वाला, ये नंद का घर है। नंद बाबा का घर कहाँ है? बिल्कुल यहाँ। और सब सखियों के घर यूं बने हुए। अब कोई भी सखी अपने घर के बरांडे में आ जाए ना आंगन में, तो नंद जी का घर दिखता है सीधा सीधा। नंद जी का घर सीधा दिखता है, और नंद जी के आंगन में कौन खेलते हैं? स्वयं सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण खेलते हैं। और वो जो खेलते हैं जानबूझ के बाहर खेलते हैं, अंदर घर में रहते ही नहीं है, बार बार खेलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज ब्रह्मांड, कालमाया का ब्रह्मांड, ब्रज ब्रह्मांड सिर्फ दर्शन की लीला है। ये भावना जिसकी समझ में आ गई, उसने पूरे कालमाया के ब्रह्मांड को गुलाम लिया समझो। कालमाया का ब्रह्मांड दर्शन का ब्रह्मांड है, इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज को साधना से, भावना से दर्शन हो गए। और सिर्फ देवचंद जी को नहीं हुए, अभी हम भीतर में जब प्रवेश करेंगे तो देखेंगे इतने सारे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हैं, जिनको लगातार लाइन लगा के दर्शन ही दर्शन हुए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये जो नंदालय है, ये क्या है वास्तव में? ये नंदालय और कुछ नहीं है, ये आपका हृदय है। आपके हृदय के बीचों बीच में सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण बैठे हैं। आप अपने 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 कुटुंब कबीला परिवार, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के उस बने हुए घर के घोंसलों से बाहर निकल के अपने बरांडे में आओ। आते ही कृष्ण ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता, वो दिखेगा। तू जरा सा पिंड छोड़, तेरी आत्मा तुझे दिखेगी। तू जरा सा संसार छोड़, परमधाम तुझे दिखेगा। जितना तू छोड़ेगी उतना दिखेगा, और जितना पकड़ पकड़ के रखेगी उतनी आवरण विक्षेपा काल माया तो जब मारती चलेगी, और सब सपना ही रह जाएगा। स्वप्न तुल्य संसार, इसलिए सपना था। तो ये जो ब्रज का ब्रह्मांड है, ये बड़ी मोटी लीला है। इसके बाद में श्री मुखवाणी में कहा कि जब